Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. हमारे मित्र शादाब के पिताजी हैं और ये सिलाउंड मोहल्ले के रहने वाले हैं. इनका बेटा सुबह कपड़े के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा था, तो नहा के जैसे बाहर आया तो उस्तरी थी, वो उस्तरी पे अपने कुर्ते पे उस्तरी कर रहा था तो उस पर करंट आ गया. उस करंट से उसकी ऐसा करंट तेज़ वाला लगा तो उसकी मृत्यु हो गई. वो छड़ा स्टूडेंट था, हमारे NRC आंदोलन हुआ था गांधी भवन पे, वो वक्ता के रूप में हमने नौजवान टीम तैयार करी थी. उस नौजवान टीम का एक बंदा था, वो हमारी टीम का बोलने वाला लड़का था शदाब. हमने ऐसे कई नौजवान खेप तैयार करे थे उस आंदोलन के अंदर. उसमें से एक आंदोलन में शदाब खान लड़का था, चूड़ी ग्रान मोहल्ले का आदमी है. इनके दादा भी हमारे साथ रहते हैं, हाजी नूर मोहम्मद साहब इनके परिवार का आदमी है. हम सब लोग यहाँ पे बॉडी के नहीं आए हैं. पुलिस कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई, डॉक्टर कार्रवाई हो रही है. मगर ये बता दूँ आपको, पूरे अजमेर शहर के वासियों को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जब पहले चार्ज संभाला था अशोक गहलोत साहब ने, जब एक प्रोसीजर निकला था, एक परफॉर्मर निकला था एक्सीडेंट का और मृत्यु का, कि कोई भी परिजन अपने परिवार का बिना पोस्टमार्टम के अगर बॉडी लेना चाहता है तो वो अस्पताल में और पुलिस को लिख के दे देवे कि मैं अपनी इच्छा से मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ. हाँ, कोई हादसा ऐसा हो जाए विवादित तो उसमें पोस्टमार्टम PM होना ज़रूरी है. परंतु अगर ऐसे हादसे जैसे ये हादसा करंट का हुआ, ऐसे कोई ऐसी परिस्थिति का हो गया, तो उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का परफॉर्मा निकला हुआ है और वो इंशाल्लाह हम आम करेंगे अभी बहुत जल्दी. वो हम पुराना निकाल के और उसको रिन्यूअल भी करवाने के प्रयास करेंगे ताकि आने वाले जायरों के सामने भी परेशानी नहीं हो. जुल्फिकार, आज सुबह हमारे एक साथी है, शादाब खान नाम है उसका, उसके घर में करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी. उसके बाद में उसको JLN अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर के आए थे, यहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया. उसके बाद में यहाँ पे मोर्चरी के अंदर उसको रखा. लेकिन ये हर बार का एक प्रॉब्लम सामने आता है जो अजमेर की पब्लिक को देखना पड़ता है, कि डॉक्टर्स और पुलिस के बीच के अंदर जो एक पब्लिक पिसती है, उसके लिए हम यहाँ पे निवारण निकलना चाहिए. जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों का निवारण निकलना चाहिए, उन लोगों को बैठना चाहिए कि अगर, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर पब्लिक के लिए फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं. वो उन्होंने पहले भी एक सर्कुलर निकाला था जिसके अंदर अगर परिजन जो हैं, अगर कोई ऐसा निधन नहीं है जिसके अंदर की कोई शक वाली बात हो और उसके बाद में उनके परिवार जन लिख करके देते हैं कि भाई हमको ये लाश सुपुर्द की जाए और इसका हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं, तो जब हमारे मुख्यमंत्री ने इस चीज़ के ऊपर सर्कुलर बना दिया है तो फिर ये क्या बार बार ये परेशानी का सामना पब्लिक को करना पड़ता है. एक बार पहले भी ऐसा मामला हुआ था जिसके अंदर परिवारजनों को कम से कम 6 घंटे बाद के अंदर लाश सुपुर्द की गई. आज भी सुबह 11 बजे से यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हैं, परेशान हैं ये सब लोग, और ये कोई पुलिस पे दबाव नहीं बना रहा है जैसे जैसे, क्योंकि ये लड़का जो था गवर्नमेंट कॉलेज का लड़का है और गवर्नमेंट कॉलेज में इसके काफ़ी साथियों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है तो यहाँ पे 400-500 लोग इकट्ठा हो गए. लेकिन इस चीज़ के लिए जो मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से मांग करता हूँ कि बड़े अधिकारियों को इस मामले में बैठना चाहिए, पब्लिक के इस जो भी परेशानी की बात है उस चीज़ का निवारण निकालना चाहिए. मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती. पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं इसके अंदर, बस वही है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पुलिस को भी इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई होना चाहिए, या डॉक्टर्स को भी खास कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन बात यह है कि जो पेपरों के बीच के अंदर जनता पिसती है, बस वो पेपरों के बीच वाला मामला है. उसके लिए हमारी मांग है कि ये पेपरों के बीच का जो मामला है ना, ये सब ख़त्म करना चाहिए. और अगर परिवार वाले इस चीज़ के ऊपर लिख करके देते हैं कि भाई हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, माता पिता भाई या उसकी बीवी, तो उस चीज़ के ऊपर उसको, उसके अंदर जनता को इसमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए.